चुनावी सफर में आपका स्वागत है। हम इस समय चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं और इस कड़ी में हमने तमाम किसानों से बात की, तमाम व्यापारियों से बात की और अब बारी है युवाओं की, छात्रों की। और इसी कड़ी में हम गोरखपुर के सुयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आप जैसे देख सकते हैं, कुछ फैकल्टी के मेंबर भी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका चुनावी रुझान क्या है और सरकार से वो क्या उम्मीदें करते हैं, खासकर युवाओं से हमारी तहरीज रहेगी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीक्षा दुबे। अच्छा दीक्षा दुबे, थोड़ा हिंदी में बताइए क्योंकि हमारे ज़्यादातर पाठक हिंदी में ही होते हैं। आप चुनाव आपके यहाँ चल रहे हैं? यस सर, चुनाव हमारे यहाँ चल रहे हैं। चुनाव को लेकर अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस? यस सर, बहुत बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड हम चुनाव को लेकर और मतलब गवर्नमेंट को चुनने के लिए। बट मतलब ये प्रॉब्लम हमारी होती है कि मतलब कोई भी मतलब जब चुनाव होता है तो हमको वोट करने के लिए अपने यहाँ पे जाना पड़ता है, तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि मतलब जो मतलब जहाँ पे रहे और वहीं से मतलब वोटिंग करें। हाँ बिल्कुल, ये एक काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कि वोट देने के लिए लोगों को काफ़ी ट्रैवल ना करना पड़े, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए तमाम सरकार को काम करना होगा। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षाएँ रखती हैं आप? सर अपेक्षाएँ तो मतलब बहुत हैं कि जैसे हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने तो मतलब उसका मतलब हम लोगों को रिजल्ट मतलब अच्छे मिलने चाहिए। अच्छा, रिजल्ट मिलना चाहिए यानी कि रोजगार की बात। आपका क्या नाम है? वंदना गौतम। आप बीटेक की स्टूडेंट हैं? यस। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर बीटेक। फर्स्ट ईयर, जब बीटेक आपने करने का सोचा था तो क्या मतलब क्या सोच के बीटेक चयन किया था? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बीटेक का ट्रेंड अब उतना नहीं रहा है, फिर भी आपने बीटेक चूज़ किया, क्या सोचकर? बीटेक करके हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। थोड़ा तेज बताइए। कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। अच्छा जी। और इसमें हमें मतलब शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों से, और मतलब बीटेक करके हम कुछ ऐसा करेंगे। रोजगार की क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब की अब फिलहाल इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में है, आपने पता क्या है कि रोजगार की क्या अपॉर्चुनिटी है? अभी तक नहीं पता क्या। अच्छा ठीक है। पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखती हैं, पॉलिटिक्स में? अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए, थोड़ा बहुत समझना चाहिए देश का संविधान कैसे चलता है, और हम लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना भारती। क्या आप बीटेक की छात्रा हैं? यस सर। कौन सा है, फर्स्ट ईयर? यस सर। अच्छा फर्स्ट ईयर, कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर नाहरपुर से, नाहरपुर मेडिकल कॉलेज। अच्छा मेडिकल कॉलेज से। चुनाव चल रहे हैं आपके यहाँ? यस सर। अच्छा, किसी नेता को आपने देखा इस चुनाव में प्रचार करते हुए? सर हाँ, अभी तक आज रवि किशन सर यहाँ। अच्छा, रवि किशन आए थे प्रचार करने। अच्छा, ये अगर सरकार आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या अपेक्षाएं हैं? सर रोजगार नहीं है। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए क्योंकि रोजगार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और हम लोगों से बात करना चाहेंगे, रत्नी जी इधर से आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर नीलू निगम। क्या किस क्लास में हैं आप? सर डिप्लोमा मकान का प्रोडक्ट। अच्छा, डिप्लोमा करती हैं। अच्छा ये बताइए, डिप्लोमा क्यों चूज़ किया आपने? सर हमको क्या सोच के, कुछ प्लान था कि ऐसे ही रैंडमली कर लिया? नहीं सर, हमको जेई की तैयारी करना है। नहीं, आराम से बताइए। जेई की तैयारी करना है इसलिए हमको डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियर। तो क्या अपॉर्चुनिटी है जेई की? नौकरियाँ आपको पता है पिछले लंबे समय से हर नौकरियाँ कोर्ट में अटक जाती हैं, इसके लिए आपने कभी इस बारे में सोचा है, सुना है कभी? नहीं सर। अच्छा, कभी नहीं सुना है। सरकार बनने वाली है, नई सरकार बनेगी या हो सकता है पुरानी वही सरकार, लेकिन फिर भी एक नई सरकार होगी। क्या आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से या क्या मांगना चाहेंगे सरकार से? सर हम जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े, सफल हों, बस नहीं, सरकार से क्या मांग, जो आप कर रही हैं वो तो आपकी आपका काम है, आप उसमें सफल होंगे, आप घबराए नहीं, आराम से रिलैक्स होकर जवाब दीजिए। सर हमारी क्या आपको क्या, अच्छा आप एक महिला हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी आपको वुमेन सेफ्टी का कुछ इशू हुआ है? आप चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज आते जाते कभी ईव टीचिंग है इस तरह का कुछ मामला आप, नहीं आपके सर, साथ नो सर। आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ कभी इधर? अच्छा ये इशू नहीं है। आपका क्या नाम है? पल्लवी शुक्ला। आप किस ईयर की छात्रा हैं? फर्स्ट ईयर बीटेक। फर्स्ट ईयर, अच्छा डिप्लोमा करती हैं आप। ये बताइए, इस समय चुनाव चल रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं आप आने वाले सरकार से? कुछ नहीं अपेक्षा नहीं है आपके? पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा, क्या पूरी होने वाली नहीं है इसलिए नहीं है? अगर पूरी होने वाली नहीं है तो इसका मतलब आप अपेक्षा नहीं करेंगे? हमको इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट में तो होनी चाहिए इंटरेस्ट। हाँ है। क्या क्या इस समय आपके मतलब आपके इस ग्रुप में या स्टूडेंट या युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जॉब। जॉब,
तो आप इंटरेस्ट रखेंगी तभी तो जॉब मिलेगा फिर। हाँ, वो तो है। जिसको जॉब मिल जा रही है वो कोर्ट में अटक जा रहा है, जिसको नहीं मिले उसकी बात ही छोड़िए। हाँ, जॉब मिल रही है वो कोर्ट में अटक जा रही है। सरकार को इस पे कुछ सरकार को करना चाहिए फिर। अब यहाँ का इंटरेस्ट आपका? अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। जाना, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, क्या आप डिप्लोमा करती हैं या बीटेक करते हैं? बीटेक करती हैं। कौन से ट्रेड से? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से। चुनाव चल रहे हैं आपके यहाँ, तो चुनाव में अलग अलग प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? महाराजगंज जिले के। आपके यहाँ प्रत्याशी कौन कौन है, पता है आपको? नहीं पता है। आप मतलब यहीं रहती होंगी आप? यस सर। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं। अच्छा, नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं अगले चुनाव तक आपका नाम आ जाएगा। अच्छा, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, और भी कुछ स्टूडेंट हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बलेंद्र कुमार। थोड़ा तेज बताओ। बलेंद्र कुमार। कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर बीटेक। कहाँ से आते हो? खलीलाबाद से। डेली आते हो, यहीं रहते हो? यहीं पर रहते हैं, हॉस्टल। अच्छा, यहीं रहते हो। खलीलाबाद में भी चुनाव हैं। खलीलाबाद के सांसद कौन थे पिछले? सर अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, चुनाव में जो सरकार नहीं बनेगी उससे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मांग है तुम्हारी? सर, हमें बेरोजगारी से। पूरी बात बताओ, सेंटेंस में बताओ। सर, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको सर रोजगार दिलाए। रोजगार मिलना चाहिए। सर, अच्छा। और कुछ समस्या अगर तुमको लगती है देश में कोई समस्या, या रोजगार के अलावा और कोई समस्या? नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुशवाहा। तुम्हारा बर्थडे है आज? नहीं सर। अरे, यूनिफॉर्म में नहीं हो? यूनिफॉर्म। अच्छा, ये भी यूनिफॉर्म है? यस सर। अच्छा, चलो। कहाँ के रहने वाले हो? कुशीनगर के। यस सर। कुशीनगर के किसी नेता का नाम बताओ। अमित शाह। अच्छा, आरबीएन सिंह को जानते हो? यस सर, आरबीएन सिंह। अच्छा, फिलहाल कौन सांसद है तुम्हारे यहाँ? ये तो नहीं मालूम है। यार, बीटेक करते हो, थोड़ा जनरल अवेयरनेस का भी वो किया करो। अच्छा, ये बताओ, चुनाव में आने वाली सरकार से क्या मांगे हैं तुम्हारी? आने वाली सरकार से मांगे हैं जो बेरोजगार है उसको कम किया जाए, थोड़ा जो बेरोजगारी को थोड़ा कम किया जाए। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी कोई तुमको सड़क की समस्या या ऐसी कोई समस्या आने जाने में तुमको कुछ लगता है, कोई समस्या? इस सरकार में तो सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, इस सरकार में बढ़िया हो रहा है। ये पहला हमको पॉलिटिकल थोड़ा अवेयर लड़का मिला जिसको बता रहा है कि बढ़िया हुआ या ख़राब हुआ है। अच्छा, और मतलब सरकार से रोजगार के अलावा और कोई अपेक्षा? नहीं सर, बस इतना ही है। अच्छा, पिछले सरकार के कामकाज को तुम कैसे देखते हो? पिछले जो 5 सालों की सरकार है, तुम युवा? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। चलो, और हम लोगों से बात करें। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राहुल भारती। क्या नाम है? राहुल भारती। कहाँ से आते हो? गोरखपुर से। यहीं आते हो कि डेली? यहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हो। अच्छा, गोरखपुर में कहाँ के रहने वाले हो? खुटान खास साहब। कहाँ साहब? खुटान खास सर। 12th तक की पढ़ाई कहाँ से की थी? मेडिकल कॉलेज से, नाहरपुर। मेडिकल कॉलेज से की थी। अच्छा, ये बताओ, चुनाव चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ, पता है कौन कौन प्रत्याशी हैं? मेरे यहाँ प्रत्याशी तो यहीं रहते हैं। नहीं, प्रत्याशी कौन कौन हैं? रहते हैं ये तो पता नहीं है। अच्छा, यहाँ रहते हो इसलिए पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और भी लोगों और बच्चों से हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नौशाद आलम। नौशाद, कहाँ के रहने वाले हो? कुशीनगर। कुशीनगर से डेली आते हो कि यहीं रहते हो? यहीं पर रहते हैं। यहीं रहते हो। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे यहाँ चुनाव में, पता है तुमको? आरपीएन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और नथुनी कुशवाहा। यार, ये तो बहुत एक्टिव लड़का है। ये बताओ, वोटर लिस्ट में नाम है तुम्हारा? नहीं, इस साल। इस साल है? हाँ। इस साल आ गया नाम? नहीं, आया नहीं। अच्छा, तुमने अप्लाई किया था? अच्छा, ये बताओ, सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या डिमांड है, क्या मांग है तुम्हारी? सरकार अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी मतलब क्या? क्या बेरोजगार रहे उनको रोजगार मिलनी चाहिए। अच्छा, रोजगार की समस्या है सारे युवाओं की आजकल, एक बड़ी कॉमन सी समस्या है रोजगार की समस्या। सरकार इस पर अगर ध्यान दे तो काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और भी बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। तार छोड़िए। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र आर्य। जितेंद्र, किस क्लास में हो? डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में। इससे पहले की पढ़ाई कहाँ की थी? गोंडा से यहाँ आ गए। अच्छा, गोंडा में चुनावी माहौल पता है कौन प्रत्याशी है या? हाँ, पता है। कौन प्रत्याशी है? ब्रिजभूषा शरण सिंह। अच्छा, है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से जी। अच्छा, ये बताओ, तुमको क्या लगता है इस देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी है। ये कौन दूर कर सकता है कुछ? ये खुद होता, मतलब खुद से भी दूर हो जा सकती है। प्रधानमंत्री
जो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो दूर किया सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कुरा रहे हो। अभिषेक सिंह। अच्छा, किस क्लास में हो? डिप्लोमा सिविल फर्स्ट ईयर। सिविल फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा करते हो। अच्छा, डिप्लोमा करने की इच्छा क्यों हुई? ऐसा क्या लगा कि बीटेक नहीं करना चाहिए, डिप्लोमा ही करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, पापा चाहते थे। अच्छा, पापा चाहते थे इसलिए उन्होंने डिप्लोमा कर लिया। अच्छा, तो पापा फिर भविष्य का भी पापा ही चाहेंगे कि तुम चाहोगे? हम चाहेंगे। अच्छा, क्या क्या चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ। तो क्या सरकार से क्या मांगे? अगर बीजेपी की सरकार बने तो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा निकाले। पिछली सरकार भी तो बीजेपी की थी। हाँ। फिर सर जॉब तो आई नहीं। हाँ, आई नहीं सर। आई तो जॉब आई जॉब। अच्छा, सब रिपोर्टर क्यों अटक गई? जिसको नहीं मिली, जो एजुकेटेड है उसको मिलेगी, ये समस्या है थोड़ी। और भी हम लोगों से बात करना चाहते हैं, और कुछ यहाँ फैकल्टी के मेंबर भी हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांगनी निषाद। क्या करती हैं आप? बीटेक। बीटेक कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। क्या क्या सोच के बीटेक चूज किया था? कंप्यूटर साइंस मेरा ब्रांच है बीटेक में, हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। किस तरह के सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है? जो कंप्यूटर। किस तरह के सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, और मतलब किसी स्पेशली फील्ड में या मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है? स्पेशली फील्ड में कहीं भी जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाए, बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका मैम? अर्चना मौर्य। अर्चना मौर्य, कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर की रहने वाली हैं। आपके यहाँ चुनाव चल रहे हैं, तो ये बताइए पॉलिटिकली आप जागरूक होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल जो हमारे गोरखपुर के सांसद हैं प्रवीण निषाद, उनको टिकट दिया गया है बगल के संत कबीर नगर जिले से, और यहाँ पे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है एक बाहरी प्रत्याशी रवि किशन को, जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और सपा से प्रत्याशी हैं रामभुवाल निषाद। तो आपको क्या लगता है कि सर ऐसे ऐन समय पर, चुनाव के समय पर बाहरी प्रत्याशी को लाकर चुनाव लड़ाना क्या सही है, या इस पर क्या सोचती हैं आप? ये सही नहीं है। अच्छा, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ, स्थानीय प्रत्याशी जो सबको जाने पहचाने, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल, ये ताकि लोग समय से मिल भी सके। हाँ, उससे मिल उस चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में रहें। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप लोग महिलाएं हैं इसलिए एक बड़ी समस्या होती है पूर्वांचल में, खासतौर पर महिलाओं को सेफ्टी का इशू होता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अभी भी ये समस्या है पूर्वांचल? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता है? अच्छा, आप बताएं, ये वुमेन सेफ्टी का एक इशू काफ़ी माना जाता है कि जैसे शाम को या रात में अकेले लड़कियां अभी भी बाहर नहीं निकल सकती हैं, या अकेले दोपहर में भी इधर गांव के क्षेत्रों में बाहर नहीं निकल सकती हैं, ये इशू अभी भी है कि कुछ कम हुआ है? है सर, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है ये इशू। सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है इस बारे में? उम्मीद तो लड़कियां भी अलर्ट रहे, और सरकार से यही उम्मीद है कि वो एकदम सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी करे, ताकि हर जगह उनको, कहीं भी कोई भी जगह हो, चाहे कोना भी, किसी भारत का कोई कोना भी हो। महिलाएं चूँकि कम तो नहीं है, हर फील्ड में आगे हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, छूता नहीं है, जिसमें लड़कियों ने अपना परचम न लहराया हो, लेकिन ये सेफ्टी का इशू है। इस वजह से तमाम, आप देखिए, आप किसी भी फील्ड में, आप चूँकि इंजीनियरिंग का कॉलेज है, मैंने रेशियो देखा है लड़के और लड़कियों का, तो 20 लड़कियां होती हैं, 80 लड़के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हमने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि लड़कियों को कैसे दूर भेजें, थोड़ा सेफ इशू नहीं है, तो फिर वो बड़ा लड़कियों को डिमोटिवेशन मिलता है इससे, तो हाँ ये है ना, है। आपके यहाँ भी ये इशू होगा? बिल्कुल, रेशियो कम है। हाँ। तो ये वुमेन सेफ्टी, हालांकि कुछ लोगों ने बताया उनको ऐसा नहीं लगता है। आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर, मैं कुशीनगर की रहने वाली। कुशीनगर की रहने वाली हैं। कुशीनगर में सांसद कौन है, पता है आपको? अभी। अच्छा, अभी नहीं पता। अच्छा, ये अभी आपके यहाँ चुनाव आपके यहाँ भी हैं जी। आप आरपीएन सिंह है और नथुनी कुशवाहा, दो लोग प्रत्याशी हैं। आप वोट, आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा जी? अच्छा, वोटर लिस्ट में। वोट करने जाती हैं जी? मैं क्या सोचती हैं जब वोट आप डालने हैं, तो क्या मन में होता है, क्या पैमाना होता है आपके वोट का? सर, वही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अच्छा। जो पहले ही अगर हमने देखा है कि जिस पार्टी ने ज़्यादा काम किया है, या जिसे लोगों को उम्मीदें हैं, जिसने भी लोगों को उम्मीदें अच्छा, हैं। क्या मुद्दा आपके लिए पहली प्राथमिकता है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, अगर किसी को वोट करना हो आपको, या जब अभी आप करेंगी तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या चयन के प्रक्रिया? वो है कि सर, एजुकेशन को महत्व दिया जाए, बच्चों की एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं गाँव में,
तो ये है कि एडमिशन फ़ीस को कम किया जाए या माफ़ किया जाए गरीबों के लिए, किसानों के लिए थोड़ा सा लोन वगैरह की व्यवस्था हो, तो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये एजुकेशन में महंगाई फ़ीस इतनी हो गई है, फ़िलहाल LKG के बच्चे की फ़ीस इतनी है जितना एक BTEC करने वाले की फ़ीस है, और ये एक बड़ी असमानता है, विसंगति है। आपका क्या नाम है? अमृता यादव। अमृता, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार। कोई बात नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा, आपको ऐसे ही हंसी आती है? अच्छा, बिहार में चुनाव है, आपका वोट नाम वोटर लिस्ट में है? हाँ। अच्छा, वोट देने जाती हैं? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, क्या पैमाना होता है आपके वोट का? जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें, या फिर किसानों को मतलब तरक्की में हेल्प करें। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका पांडे। कहाँ के रहने वाली हैं आप? गोरखपुर। ये गोरखपुर के। आप पॉलिटिकली उम्मीद करते हैं कि आप अवेयर होंगी? फिलहाल यहाँ दो लोग मुख्य रूप से इंटरेस्टेड नहीं पॉलिटिक्स में, सरकार में हैं? सर हाँ, मतलब पॉलिटिक्स और सरकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार में है, ये संभव नहीं है? ये नहीं, मतलब पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? ऐसे ही, मतलब जब कोई, मतलब कोई भी अगर नेता बनता है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर कोई बढ़िया काम कर दे तो कुछ ऐसे काम करता है जो हम लोग को नहीं सही लगता है। अच्छा, पर्टिकुलर नेता बनने के बाद ऐसे काम, फिर ऐसे लोगों को लोग वोट क्यों देते हैं? सर जिसको जो सही लगता है वो उसको वोट देता है। अच्छा, मतलब जो नेता होते हैं वो नेता बनने के बाद अपना व्यवहार अपने लिए भी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए भी करते हैं, तो फिर आप जैसे युवाओं को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आना चाहिए? सर बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अच्छा ये एक बड़ी कॉमन सी समस्या है भारत के युवाओं, मैंने खास तौर पे देखी है कि जो पॉलिटिशियन है वो उन्हें पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, और खुद पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, फिर सिस्टम सही कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए ये पेन है, हम कहें कि पेन ख़राब है, तो या तो हम दूसरा पेन हम खुद बनाएं या तो फिर इसी पेन का यूज़ करें, ये दो तरीके हो सकते हैं। तो ये पता नहीं, मतलब सर ये ज़रूरी नहीं है कि युवा हो तो सारे युवा एक ही जगह जाएं, पॉलिटिक्स में ही जाएं। नहीं, फिर जब आप अगर पॉलिटिक्स गड़बड़ है, गलत है, मतलब आप जैसे अकॉर्डिंग टू यू कि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, तो फिर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जी सर बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे, ये कहना चाहते हैं? ज़्यादा इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में वो जाना चाहिए उनको। चलिए, आपका क्या नाम है मैम? प्रियंका पटवा। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर के रहने वाली हैं। क्या पैमाना होता है आपके वोट का, क्या सोच के वोट करते हैं आप जब भी वोट करने जाते हैं? यही होता है कि मतलब एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें लोग, और अच्छा, मतलब यहाँ के जो युवाएं हैं गोरखपुर के उनको रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की बहुत कम व्यवस्था है, गोरखपुर में थोड़े बहुत कम है यहाँ पे इंडस्ट्री, और लगनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री और लगनी चाहिए, और भी लोगों से। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यहाँ पे कंपनियां बहुत कम है। अच्छा, इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग के, हमको नहीं लगता कि इंजीनियरिंग के बच्चों का यहाँ पे है, गीडा क्षेत्र में है, नथमलपुर कौड़िया क्षेत्र में है, लेकिन और भी लगने चाहिए। जैसे पश्चिमी यूपी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लोग वहाँ छात्रों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं, लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, और सर मैं पश्चिमी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, बदायूं से, जहाँ से मेरे सांसद जी हैं धर्मेंद्र यादव जी, इस बार जी उन्होंने काफ़ी विकास किया है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को, लोग बहुत से लोग बोल रहे थे कि बेरोजगार एक मेन मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि बेरोजगार एक मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है सर कि जब तक हम हर चीज़ को निष्पक्षता के साथ नहीं लेंगे, खास तौर से अगर सपोज करिए सर मैं जब यहाँ पर चार लोग इकट्ठे हैं और मैं झगड़ा करने लग जाऊँ, तो पहला मेरा मुद्दा ये होगा कि मैं झगड़ा खत्म करूँ, दूसरा मुद्दा मेरा ये होगा कि मैं उनको रोटी प्रोवाइड कराऊँ। क्यों? पहला मुद्दा सर ये है कि आप ये जो भारत में आजकल हो रहा है, जो ये जो कानून व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ किया जाए और चुनाव को निष्पक्षता के साथ कराया जाए, उसके बाद ही दूसरा मुद्दा बेरोजगारी आएगा। पहला मुद्दा मेरी समझ से बेरोजगारी नहीं है सर, पहला सिस्टम सही हो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि सिस्टम जब सही होगा तो उसके बाद संभावना है, अपार संभावनाएं खुद उत्पन्न होंगी सर। और मुझे दूसरी चीज ये लगती है कि मेरे देश में ना ही रोजगार की कमी है ना ही पैसे की कमी है, मेरे देश में सर्कुलेशन और सेंट्रलाइजेशन दो चीजें कर दी गई हैं। आज अगर आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज कर दिया गया पूरा सिस्टम, मेरे सिस्टम को सर्कुलेशन किया जाए। जैसे सपोज दैट सर आपके पास तीन जोड़ी जूते होंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा पूरा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हर एक को एक एक जूता या चप्पल ना मिल जाए। हाँ, बिल्कुल, तो रेशियो अगर निकाला जाए, रेशियो निकाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश में प्रोडक्शन की कमी है, मेरे देश में पैसे की कमी है, मेरे देश में सिर्फ कमी है कि जैसे आज जियो, तो जियो ने हर एक को
बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे देश ने क्या किया, मेरे देश के लोगों ने क्या किया है, मेरे नेताओं ने क्या किया कि सेंटर को सेंट्रलाइज कर दिया, पूरा सिस्टम था, सर्कुलेट नहीं किया। अगर ये चीज़ सर्कुलेट होती, चार लोगों के और पास जाती, तो हम जैसे बेरोजगार नहीं होते, हम जैसे काम करते होते सर। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जैसे आपने जियो का एक उदाहरण दिया, बिल्कुल जियो में इतने कस्टमर हो गए हैं कि अब जियो का नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया है। जी जी बिल्कुल। अगर बाकी नेटवर्क में भी कुछ कस्टमर मूव करें तो सारे नेटवर्क नौकरी भी मिलेंगी, नौकरी भी मिलेंगी सर, नौकरी भी मिलेंगी। जैसे सपोज दैट सर, एक बीमा कंपनी है, मान लीजिए आप एक बीमा कंपनी को सारे लोग इकट्ठे होकर उस पर काम करें, तो उसमें वो कितने लोग हायर कर सकता है, 1,000-2,000। और इसी चीज़ को अगर सर्कुलेट कर दिया जाए, भाई 10 कंपनियों को दे दिया, तो उसमें उससे ज़्यादा देशों में लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा सर। ये है सर, बिल्कुल। तो आप सर्कुलेशन किया जाए, ना कि सेंट्रलाइज किया जाए सिस्टम को। दूसरी चीज़, जो भी धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाति के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जाति के नाम पे लोग चुनाव में वोट मांग रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको वोट दिया जाए। देखिए सर, मेरे एक बहुत अच्छी चीज़, मेरे घर वाले या जो मैंने दोस्तों से सुना या मैंने कहीं पढ़ा, मैं वो चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। क्या था सर कि एक जंगल में आग लग गई, तो जितने बड़े जानवर थे वो सब उस जंगल में खड़े होके देख रहे थे तमाशा। एक कोयल जो थी वो जाती थी चोंच में पानी भर के लाती थी और डाल देती थी, तो उससे जितने जंगल के जानवर थे उन्होंने पूछा, तो ये चोंच में पानी भर के लाती, इससे क्या होगा? तो उसने कहा, जिस दिन ये सवाल किया जाएगा कि जंगल में आग बुझाने वाला कौन था और आग लगाने वाला कौन था, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा। ये एक काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। सबको इस बात को समझनी चाहिए कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, हैं? हमारे अकेले, आपके करने से कुछ हो ना हो, लेकिन आप स्वयं अपने जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो ये कहेगा, हाँ मैंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, मैंने सही किया था। आपका क्या नाम है सर? प्रताप लाल नाम मेरा। प्रताप जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ फैकल्टी हूँ। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे? हाँ थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत है। कौन सांसद है आपके यहाँ अभी? सर मेरे यहाँ तो शरद त्रिपाठी। अच्छा, आप तो खजनी साइड के। हाँ जी, गोरखपुर में कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ। गोरखपुर का कुछ क्षेत्र संत कबीर नगर लोकसभा में पड़ता है, खजनी का खास तौर पर क्षेत्र, और वहाँ पे विधायक शरद त्रिपाठी जूता वाले। नहीं, विधायक नहीं, सांसद हैं। सांसद जूता वाले। हाँ सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो प्रत्याशी हैं वो तो प्रवीण निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुशल तिवारी। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या हिसाब है चुनाव का? हिसाब जो भी सर, मुद्दा कम से रोजगार के लिए देखेंगे लोग, ज़्यादा रोजगार मिले हमें युवाओं के लिए, और क्या यही सर देखेंगे हमें। अच्छा, चलिए और लोगों से। क्या नाम है सर आपका? संगम कुमार। क्या नाम है सर? संगम कुमार। संगम कुमार कहाँ के रहने वाले हैं सर? गोरखपुर के। गोरखपुर के? गोरखपुर में कहाँ? सिटी में। सिटी में, गोरखपुर शहर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या हमें बता दीजिए। समस्या क्या? समस्या आदमी खुद पैदा कर रहा है। नहीं, क्या फिर भी समस्या तो, देखिए जैसे सरकार इसीलिए होती है कि जो आदमियों द्वारा समस्या पैदा की गई उसका सोल्यूशन करे। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या है, सिटी में जो है ज़्यादा कंजस्टेड होते जा रहा धीरे धीरे, जैसे ट्रैफिक वगैरह। ट्रैफिक समस्या मैं भी कहने ही वाला था कि ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हमको, मुझे जाना था आज बांसगांव, लेकिन इतना ट्रैफिक नौसड़ में था कि मैं घूम के आज इधर आ गया। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? अनु पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महाराजगंज। महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ की जो रोड व्यवस्था है वहाँ डेवलप नहीं है वहाँ। अच्छा, रोड अभी उतने स्टैंडर्ड तरीके से नहीं है। जी जी। अच्छा, ये अभी आपके यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है सर, इस बारे में अवेयरनेस? हमारे यहाँ पंकज चौधरी जीते हैं, प्रत्याशी बीजेपी कैंडिडेट, और कांग्रेस हर्षवर्धन सिंह है। अच्छा, कांग्रेस से सुप्रिया को टिकट दिया गया है। जी जी। अच्छा, ये आप जब आप सर, आप चूंकि पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब वोट करने जाते हैं तो क्या पैमाना होता है वोट का? हम जब वोट करने जाते हैं तो हम ऐसे प्रत्याशी को तलाश करते हैं जो हमारे लिए विकास कर सके, जो मतलब जो बिना भेदभाव के दे विकास, फिर से विकास कर सके, ऐसे मतलब प्रत्याशी को चुनाव करना चाहिए हमें। सर, आपका क्या नाम है? गौरव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गोरखपुर। यहीं गोरखपुर के। सर, गोरखपुर के आपको क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है? ट्रैफिक। ट्रैफिक की समस्या कभी झेला है आपने? हाँ बिल्कुल, रोज झेलते हैं। कहाँ से आते हैं? चरगावां। चरगावां से यहाँ आने में कितना समय लगता है? एक घंटे से ज़्यादा लगता है। एक घंटे शहर में लगभग 45 मिनट, और यहाँ इधर 15 मिनट। 15 मिनट का रास्ता 45 मिनट लगता है। ये मुझे भी, मैंने भी समस्या को झेला है। क्या नाम है आपका? अमित यादव नाम है सर। कहाँ के रहने वाले सर? महाराजगंज से सर। महाराजगंज के। अच्छा, महाराजगंज में आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? सर यहाँ पे तो देखिए, अगर
डिवाइड तो है ना। अच्छा। क्योंकि अगर विकास के मद से देखा जाए तो उधर कुछ नहीं किया गया है। अच्छा। क्योंकि योगी जी हमारे जो सीएम हैं प्रेजेंट टाइम में जो सीएम सर हैं तो गोरखपुर के हैं, तो आप खुद देखते होंगे कि विकास हो रहा होगा, हर जगह पे विकास हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो उनका राज्य जो है पूरा का पूरा यूपी है, तो एक जगह को ना देख करके हर जगह जो सुविधा आप अपने में प्रोवाइड क्या मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं महाराज जो जो चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे आप देखेंगे सड़कों का एकदम बेकार स्थिति। अच्छा, सड़कों के हाल का, सड़कों का हाल वहाँ का स्वास्थ्य समुदाय सर जो स्वास्थ्य केंद्र है वो एकदम बेकार हो चुका है ना। तो हम चाहते हैं कि उसको और अच्छे से मेंटेन करें, उसको बढ़ाएं। ये बहुत कमियां हैं यहाँ पे। देखिए एम्स ला दिए, सही है, बहुत अच्छा किए, लेकिन वहाँ पे जो अगर एम्स जैसे ना दे पा रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी भारत में हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ की जो लोकल जो गरीबों को चाहिए होता है ना, समुदाय को चाहिए, तो गरीब समुदाय को चाहिए, वो उनको कम से कम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा सके सर। बिल्कुल, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि विकास का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, उसका बिखराव होना चाहिए, हर जगह विकास होना चाहिए, बराबर समानता का, क्योंकि हर एक वोट समान है तो सबको विकास का भी अधिकार समान। क्या नाम सर आपका? विशाल अग्रहरी। कहाँ के रहने वाले सर? महाराजगंज फरिंदा विधानसभा। अच्छा, महाराजगंज के आप भी रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि महाराजगंज में मूलभूत आवश्यकताओं का काफ़ी अभाव है, सड़कों का और स्वास्थ्य सेवाओं का। जी सर, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? सर काफ़ी सहमत है, चूँकि हमारे वहाँ के सांसद जो पिछली बार रह चुके थे पंकज चौधरी जी। अच्छा, थे जो भाजपा के प्रत्याशी थे, तो अभी मतलब इस बार भी चुनाव में उठ रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि मतलब हम एक अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारी मांग को, मतलब जैसे वहाँ पे शिक्षा का और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कि अगर हम शिक्षा के लिए अगर देखा जाए, जैसे हम लोग को डिप्लोमा करना है तो हम लोग को गोरखपुर या और कहीं दूर जाना पड़ता है। शिक्षा के भी इन्होंने सड़क और स्वास्थ्य गिनवाया, आपने उसमें शिक्षा जोड़ दिया। हाँ, शिक्षा की भी, शिक्षा का भी बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, सरकारी कॉलेज उधर गोरखपुर ही आना पड़ता है। गोरखपुर बहुत कम है सर, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो बहुत कम है, और जैसे ये स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग को इधर गोरखपुरी भाग के आना पड़ता है, तो हाँ ये होनी चाहिए सर वहाँ पे। शिक्षा और स्वास्थ्य तो मूलभूत आवश्यकता है, सभी को अधिकार है कि वो सरकार चुनते हैं तो उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की भी उतनी सुविधा मिले। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर में कहाँ? हुमायूँपुर, गोरखनाथ। गोरखनाथ के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं जी। अच्छा, क्या मांग है आपकी मुख्यमंत्री से? इन्होंने ये तो कह रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री साहब केवल गोरखपुर में विकास कर रहे हैं, महाराजगंज में नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं सब जगह, धीरे धीरे होएगा, धीरे धीरे होएगा सब जगह, धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। इनका पहले आदमी गोरखपुर में होगा, फिर पहले अपना घर बनाएगा ना, पहले अपना घर बनाएगा फिर दूसरे का ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को नहीं चुना गया है। अरे सर धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा, ध्यान देनी पड़ेगी सब जगह। जितना एक वोट का वैल्यू आपके गोरखपुर के लोगों का है उतना महाराजगंज के लोगों का है। हाँ ये तो ये तो आप अपने अपने पड़ोसी मुख्यमंत्री साहब से कहिए कि महाराजगंज में भी विकास की धारा ले जाए। अब हम कैसे कह सकते हैं, पड़ोसी हैं, हम नहीं कर सकते हैं। आप डिफेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। अच्छा अच्छा, चलिए तो हंसी मजाक की बात। आप ये बताइए, जब आप वोट करने जाते हैं तो आपके वोट का क्या पैमाना होता है, क्या सोचकर वोट करते हैं? जब भी जो 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 चीज मिले हमको सब बढ़िया मिले हमको, या जैसे आपकी प्राथमिकता, जैसे हमको ट्रांसपोर्ट का ये सड़क बढ़िया मिले, शिक्षा बढ़िया मिले, डॉक्टर बढ़िया मिले, ये सब चीज़ देख के आदमी करता है। अच्छा, इस हिसाब से ओवरऑल बताइए, सबसे कठिन सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर क्या क्या विकल्प हैं इस समय देश के पास? विकल्प मतलब? हाँ, कौन कौन प्रधानमंत्री का विकल्प के तौर पर आप देखते हैं? मैं समझ पाया। अच्छा, मतलब मेरे सवाल का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कौन कौन हो सकता है आपके हिसाब से? आप हो सकता है मतलब जिसे आप पसंद करें, जिसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? जो अभी है फिलहाल तो मैं उसी को अच्छा लगता हूं। आप नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों, क्या वजह है? बहुत चीज वो बढ़िया जैसे है। जैसे कि हर वो हमारे हर चीज बढ़िया कर रहा है। नाम बताइए जैसे कि क्या? जैसे शिक्षा भी बढ़िया कर रहा है। शिक्षा उन्होंने क्या, एम्स शिक्षा में जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल रहा है, खुल रही है यूनिवर्सिटी आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी जैसे एम्स, ये क्या नाम है, मदन मोहन मालवीय पहले नहीं था, ये मदन मोहन मालवीय बहुत पहले से वो था ना। हाँ, वो मतलब यूनिवर्सिटी, हाँ वो अखिलेश यादव ने बनाया था उसको विश्वविद्यालय। हाँ, ऐसा क्या है जिसको, जिससे आप प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को देखना चाहते हैं? कोई है जो बताना चाहता है क्यों वो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी या राहुल को देखना चाहता है, क्या वजह है बताइए सर? आप बता रहे हैं आपको
हमको अपने तरफ से अच्छा लगा। जी सर बताइए। राहुल गांधी के सपोर्ट में वोटिंग करना चाहता हूँ। राहुल गांधी की क्या ऐसी, क्योंकि क्यों देखना चाहेंगे ना, क्योंकि वो एक युवा नेता है और ये युवाओं की प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकता है। मोदी जी जो 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 घोषणा किए थे वो पूरा नहीं किया उन्होंने। बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, अभी तक 2 करोड़ लोग नौकरी नहीं मिला अभी तक। वो कहते हैं कि नौकरियां हमने दी है, बस आंकड़े नहीं है हमारे पास। तो आंकड़े होने चाहिए ताकि वितरण करने से करना चाहिए, हमें अधिकार है वितरण करने का। लेकिन राहुल गांधी पर ये हमेशा विपक्षी आरोप लगाते हैं कि किसी चीज़ को लेकर गंभीर नहीं रहते, वहाँ पैसा मांगते हैं क्या? नहीं, वो सीरियस से बंदा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ा हुआ है। भारत में फिलहाल माहौल ऐसा है कि राहुल गांधी को अगर कोई सपोर्ट करता है या राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत है और वो स्वतंत्र भारत में रह रहा है और उससे स्वतंत्रता है कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, किसी को भी वोट कर सकता है। कोई इंसान मतलब तो आसमान से तो आता नहीं, सीख के आता है, यहीं सीखता है वो बंदा है, जो भी बोलता है सीखता है, एक्सपीरियंस होता है, काउंट हो रहा है, सीख के तो आगे बढ़ेगा। कम से कम उसके अंदर इतना तो है, हिम्मत तो है कि अपने पीएम की दावेदारी किया, और तो कोई बोलने वाला भी नहीं उनके पीएम के खिलाफ, सारी पार्टी तले चाटती हैं उनके पीएम योगी। चलिए, ये हम गोरखपुर में कुछ खास युवाओं से और छात्रों से बात कर रहे थे। ऐसे ही चुनावी सफ़र हमारा जारी रहेगा, और भी लोगों से हम मिलाते रहेंगे और आपको चुनावी मुद्दे दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।